और देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून परेड ग्राउंड में चल रहे भू आंदोलन और मूल निवास के डिमांड पर सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। इस तरीके से अभी जो आंदोलन चल रहा है, मेरे बाई तरफ जाते हुए लोग बहुत सारे नजर आ रहे हैं। प्रयास, यस, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज नोटियाल है। नोटियाल साहब, कहाँ से आए आप? हम छत्तीसगढ़ जौनपुर टेहरी से आए हैं। क्या बोलेंगे आप इस आंदोलन को लेकर के, जो आज आंदोलन को लेकर हम यही बोलना चाहेंगे कि उत्तराखंड का उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड का नवनिर्माण हुआ था, जो उत्तराखंड अभी अपनी यौवन अवस्था में पहुंचते जो इसको जो भारी तत्वों ने जो भूमाफिया है, जो इस बाहर से आकर के उत्तराखंड की जमीनों को खरीद रहे हैं, और यहाँ की जो आदमी, यहाँ की जो जनता, यहाँ की जो जनमानस है, वह जो अपनी जमीन के लिए, अपनी जायदाद के लिए, अपने हकों के लिए जो है सड़क पे उतर रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ। इसका जो मूल समस्या पैदा जो हुई है, कौन इसका दोषी है? बराबर सरकारें या तो बदली हैं, डिमांड किया कि उत्तराखंड को बनाया गया, इसके बाद भी अभी भी समस्या बनी हुई, तो समस्या क्या कारण है? जिस उद्देश्य को लेकर उत्तराखंड बना था, वो उद्देश्य वैसे का वैसा है, और इसमें किसी एक सरकार को हम दोष नहीं देंगे, सभी सरकारों का दोष है। और सरकारों को यह प्रयास करना चाहिए कि उत्तराखंड का जो मूल कानून है, जो मूल निवास है, वो उत्तराखंड को लागू होना आज चाहिए। आज क्या क्या चीजें डिमांड पर है, कौन आज डिमांड पे मूलतः मूल निवास 1950 लागू हो और भू कानून जो है उत्तराखंड में लागू हो, अन्य राज्यों की तरह, जैसे हिमाचल में भू कानून में क्या क्या शर्तें हैं, वो थोड़ा बता पाएंगे आप? शर्तें तो जो भू कानून की समितियां, जो भू कानून की कमेटियां हैं, वो उसको लागू करेगी, उन सिफारिशों को बताएगी, लेकिन हमारा सरकार से यही कहना है कि आप जो जनमानस की, जो जनता की मांगे हैं, कुल मिलाकर के पहाड़ों का जो जंगल और ये जो हमारा प्रवेश है, संस्कृति, इसको खत्म हो रही है, इसको बचाने के लिए प्रयास, सबको खत्म किया जा रहा है, और उनको बचाने के लिए जनता यहाँ सड़कों पे आई हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।